एलिवेशन बहुत प्यारा है, ये लाइंस चेक करो सुंदर कितनी ज्यादा लगती हैं, विच लाइंस की इसमें टाइलिंग अवेलेबल हो जाती है, घर बहुत ही प्यारा हो जाएगा अवेलेबल। नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, वास्तु फ्रेंडली है, बहुत चीजों का ख्याल रखा गया है। किचन आगे जी बहुत मॉडुलर, ये आप देख लो जी, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, जो पत्थर लगा हुआ ऊपर वो बहुत अच्छा लगा हुआ है, ठीक है। सारी आपकी ये भी किचन आएगी स्लोमो, एक्सेसरीज अंदर लगी हुई है और सारी ब्रांडेड फिटिंग्स आपको लगवा के देंगे। ये आ गया जी आपका रूम, जिसके अंदर फुल वॉल बेड आर रेडी, ठीक है जी। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया डिजाइन तैयार होकर दिया जाता है। आपकी कबर्ड देख लो जी, प्रॉपर रेडी है विद लॉक्स के साथ, सब जी सब कुछ रेडी रहेगा। देखो जी ड्रेसिंग टेबल आपका बिल्कुल रहेगा तैयार, एक डिसेंट साइज की लॉबी जहाँ पे आप अपना टेबल चेयर या कुछ भी आप जो मतलब आपको मन करे कि लगवाना चाहते हो वो लगा सकते हो। हाँ जी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल है जी सबके। होप करते हैं सभी लोग बहुत बहुत वधिया होगे जी। थैंक यू सो मच सभी का बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए, जेड़ा आप जी प्यार देते हो इसलिए बार बार मैं वधिया वधिया कोठी लेके आनी पड़ती है, ठीक है। आज जी एक और 6 मरले की कोठी 4 BHK के साइज में क्यूरो मॉल के बहुत ही पास हो जाएगी अवेलेबल। चेक करो जी कोठी बहुत सोनी है, एलिवेशन बहुत प्यारा है, ये लाइन्स चेक करो सुंदर कितनी ज़्यादा लगती हैं, विच लाइन्स की इसमें टाइलिंग अवेलेबल हो जाती है, घर बहुत ही प्यारा हो जाएगा अवेलेबल। नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, वास्तु फ्रेंडली है, बहुत चीज़ों का ख्याल रखा गया है, एक्सेसरीज बहुत ही ब्रांडेड लगाई हुई है। मेन बातें आपको घर की बताएंगे ताकि आपको भी वधिया लगे। जब आपको हमारी वीडियो वधिया लगती हैं छोटा सा काम करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, ते घर का प्राइस बताएंगे जी एंड के अंदर और बता के ही आपको वीडियो एंड करेंगे याद से, ठीक है। आओ जी अंदर चलते हैं जी, ये आप देख रहे हो जी प्रॉपर टाइलिंग बाहर हुई हुई है, बहुत अच्छी तरीके साफ सुथरे तरीके आपकी टाइलिंग हुई हुई है। एक बिग SUV की साइज की पार्किंग हो जाएगी आपको अवेलेबल, बढ़िया पार्किंग। देखो ना मोस्टली आपको हम कई बार घर दिखाते हैं, कई बार साफ सुथरे नहीं होते, बहुत वेल मेंटेन्ड घर आपको दिखा रहे हैं इस बारी। देखो जी साइज बहुत बढ़िया, बहुत लोग कहते हैं कि कुछ बजट में अच्छा दिखाना है, बजट में भी है ये। आपकी आगे जी 2-व्हीलर की पार्किंग या वॉशिंग एरिया का स्पेस, वहाँ भी स्टोरेज एरिया बनाया ताकि अपनी मोटर वगैरह आपकी कवर्ड रहे, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आओ जी अंदर चलते हैं, सबसे पहले आ गया जी आपका मेस डोर या जाली का दरवाजा बोल दो, कोई चक्कर नहीं। तो ऐसे घर की आती है फ्रंट लुक, जिसके अंदर जी लॉबी आ जाती है आपकी बहुत ही सुंदर, एक डिसेंट साइज की लॉबी जहाँ पे आप अपना टेबल चेयर या कुछ भी आप जो मतलब आपको मन करे कि लगवाना चाहते हो वो लगा सकते हो। लगवाने के साथ साथ जी LED पैनल की स्पेस प्रॉपर जी होगी तैयार, रेडी है जी LED पैनल। यहाँ पे आप प्रॉपर आप स्टोरेज भी कर सकते हो, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हो बढ़िया के लिए। नीचे ये जगह आपके लिए हमने खाली छोड़ दी, यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो जी स्टोरेज। अब जैसे कि जी 4 BHK घर है, नीचे भी 2 रूम्स मिल जाएंगे, 2 रूम्स से पहले आपको हम दिखाते हैं जी ड्राइंग रूम। लो जी एक डिसेंट साइज का ड्राइंग रूम, ऐसा ना फील करो कि यार 6 मरले में यार 4 रूम्स तो दे दिए पर अब गेस्ट के लिए जगह कहाँ है, तो ये जी गेस्ट के लिए आपकी जगह हो जाएगी अवेलेबल प्रॉपर जी। यहाँ से मिल जाएगा आपको बाहर का लुक, ठीक है जी, बाहर का लुक भी नाल दिख जाएगा, पता लगता रहेगा कौन खा रहा है। कर्टन्स भी यहाँ पे देखो जी बड़े वधिया आपको लगे हुए हो जाते हैं अवेलेबल, बाकी अपने हिसाब से आप एडिट अपडेट कर सकते हो जैसा आप चाहो, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं जी आपकी मेन किचन, किचन आगे जी बहुत मॉडुलर, ये आप देख लो जी, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, जो पत्थर लगा हुआ ऊपर वो बहुत अच्छा लगा हुआ है, ठीक है। सारी आपकी ये भी किचन आएगी स्लोमो, एक्सेसरीज अंदर लगी हुई है और सारी ब्रांडेड फिटिंग्स आपको लगवा के देंगे, अभी नहीं लगाई है, जब आप घर परचेज करोगे आपको साथ में लगा के देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है, ठीक है। यहाँ पे जी ग्लास डोर्स आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं वो भी यहाँ पे फिटेड होके आपको अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जी ये सारी एक्सेसरीज आपको मिलेगी साथ इंक्लूड होके, देखा ये मेन चीजें जो सब लोग कराते हैं, ये आपका आटा रखने की जो स्पेस है वो भी आ गई। तो मॉडुलर हिसाब से ना किचन बहुत बनी हुई है प्रॉपर, बढ़िया 2 सिंक मिल जाएंगे, वहां से आप बाहर के लिए भी स्पेस मिल जाएगी, आप देख सकते हो कि बाहर क्या चल रहा है, ओके। अब जैसे कि लॉबी है, लॉबी के अंदर एक बहुत बढ़िया वैनिटी, ये तो ना हर एक घर में होनी चाहिए कि बहुत जरूरी पार्ट है, एक वैनिटी है जिसके अंदर स्टोरेज भी है, आप अपना सामान स्टोर कर सकते हो वगैरह वगैरह यहाँ पे भी रख सकते हो, प्लस मिरर मिल जाएगा इसकी फिटिंग। हाँ यहाँ से हम ऑन कर देते हैं, लो जी लाइट भी जग जाएगी इसके अंदर, ये बड़ी बढ़िया चीज मिल जाती है, अच्छी चीज है, आजकल ट्रेंडिंग है, बहुत लोग लगाते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से क्यों जाना है, यहाँ से आगा आपका एक कॉमन वॉशरूम, जो एक प्राइवेट गेस्ट के लिए है और एक अपने रूम के लिए है, ठीक है। वो तो आपको वॉशरूम बताया, वॉशरूम के अंदर ना एक चीज दिखाते हैं आपको, वॉशरूम के अंदर मिल जाएगी, यहाँ पे मिलेगी जैगुआर की एक्सेसरीज,
यहाँ पे मिल जाएगी जी हिंदवेयर की इटालियन कलेक्शन, और जो पाइपिंग हमारी जो इनसे बात जिनका ये घर है उन्होंने बात बताई थी कि जो सारा अंदर सिस्टम है वो सारा मेटल पाइप्स है अंदर। कई बार हम प्लास्टिक पाइप्स आप लोग देखते हैं डालते हैं, सारी की सारी ब्रांडेड कंपनी की मेटल पाइप्स हैं, वो जब आप घर लेने आओगे तो मिला देंगे, आप बात कर लेना उनसे, ठीक है। ये आ गया जी आपका रूम जिसके अंदर फुल वॉल बेड आर रेडी, ठीक है जी। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया डिजाइन तैयार होकर दिया जाता है। आपकी कबर्ड देख लो जी प्रॉपर रेडी है विद लॉक्स के साथ, सब जी सब कुछ रेडी रहेगा। देखो जी ड्रेसिंग टेबल आपका बिल्कुल रहेगा तैयार, तो मतलब कोई कमी नहीं है। एलईडी पैनल भी लगा हुआ है। डाउनफॉल सीलिंग सच एक बार चेक कर लो जी, वुडन और वैसे फिनिश मिल जाती है बढ़िया। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि ना कुछ अपडेट बढ़िया हो तो अच्छी चीज आपको वही साथ में हो जाएगी अवेलेबल। लो जी आ गया जी सेकंड बेडरूम। हर एक बेडरूम के साथ वॉशरूम मिलेगा, एलईडी पैनल मिलेगा, डाउनफॉल सीलिंग मिलेगी, बेड्स रेडी मिलेंगे, कबर्ड्स भी आपको मिल जाएगी साथ में, ठीक है। प्लस वेंटिलेशन के लिए एक तो यहाँ से आप देख सकते हो बाहर का व्यू कि कौन आ रहा है कौन नहीं, आसानी रहती है। लो जी वेंटिलेशन का आपको दिखा दिया। इस रूम में भी सब कुछ ऑल ओवर कंप्लीट रहेगा। कबर्ड्स लो जी बड़ी बढ़िया कबर्ड्स आ गई, और सारी की सारी ब्रांडेड एक्सेसरीज वॉशरूम के अंदर होंगी अवेलेबल, चाहे कैरोविट का आपको मिल जाए वॉश बेसिन, पूरा ध्यान रखा गया। अब थोड़ा जहाँ जी बैक स्पेस भी बहुत जरूरी है घर के अंदर, थोड़ा आपको बैक स्पेस दिखाते हैं। थोड़ा सा ऑब्वियसली सामान रखा हुआ है यहाँ पे, और प्रॉपर डब्बे रखे हुए हैं जो जो सी ब्रांडेड एक्सेसरीज लगा रहे हैं, कोई झूठ क्यों बोलना आपसे, आपको डब्बे भी दिखा देंगे, ठीक है। अब जी आओ चलो देखते हैं, ये आगे चलते हैं। अब ये आ गया हमारा बाहर का एरिया, यहाँ से हम जाएंगे जी ऊपर। ऊपर जाने से पहले यहाँ की ऊपर सीलिंग चेक करो, जो नीचे से चीजें ना क्लियर पता लगती है। ये आगे फुल वॉल, ऊपर आपको सीलिंग मिल जाती है, प्लस लाइटिंग का एरिया मिल जाता है। ये भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बढ़िया टाइलिंग वगैरह, मतलब टाइलिंग ना बहुत सफाई से लगी है। कई बार आप देखोगे ना सफाई नहीं होती चीज़ों में, तो सफाई बहुत है। तो मार्बल सॉरी टाइलिंग मार्बल लगा हुआ बड़ा बढ़िया, जो कि अच्छा लगता है घर के अंदर, लुक भी बहुत बढ़िया बढ़ा देता है। अब ऐसा करते हैं जी ऊपर चलते हैं, तो ऊपर का दिखाते हैं आपको। लो जी ऊपर हम आ गए दिखाने के लिए। ऊपर सबसे पहले आपको मिल जाएगा जी आपका पूजा रूम। ये देखो जी प्रॉपर लाइट्स लगी हो जाती हैं अवेलेबल, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो जिस तरह करना चाहो। आ गया जी आपका स्टोर रूम, जहाँ मोंटी भी है, अच्छी खासी स्पेस है, बढ़िया सामान भर के आप स्टोर कर सकते हो। ये रूम जो आपको दिखाएंगे अब आगे हमारा थर्ड रूम, जिसकी थीम बहुत ज्यादा प्यारी है। मेन तो बात है थीम की, ग्रे एंड ब्लैक एंड क्रीम की थीम है जी। देखो जी सारा का सारा ऊपर से लेकर वहां सामने एलईडी पैनल तक, देन आपके ड्रेसिंग टेबल तक, आपके कबर्ड्स तक, देन आगे आपका वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर भी आपको इसमें देंगे हम वैनिटी और ब्रांडेड फिटिंग्स तो है ही है, वो आपको सारा लगा के देंगे। देखो जी प्रॉपर पाइपें सारी मेटल की हैं, आपको यहाँ से भी दिखाते हैं। नीचे वाले चलो फिटिंग्स लग चुकी हैं, आपको कैसे दिखाएंगे। तो ये इस तरह का आपको मिल जाता है जी घर। और इस रूम के साथ एक जी बेनिफिट है, आपको मिल जाती है जी बैल्कनी। बैल्कनी तो बहुत जरूरी है, सबको बड़ी पसंद है। बैल्कनी के थ्रू ना आपको हम दिखाएंगे कि लोकेलिटी कितनी बढ़िया जी। सामने घर देख लो जी, सारे घर बने हुए हैं और अच्छे प्रीमियम घर बने हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया घर मिल जाते हैं आपको, ठीक है। प्लस इधर आओ जरा घूम के ना, आ देखो ये सारा स्टोन लगा हुआ है, पत्थर टाइप लगा हुआ है, जो कि बहुत सुंदर लगता है, बढ़िया चीज है। आपको घर की फ्रंट लुक तो ऐसे दिखाई थी, फिर भी एक मैं आइडिया दिखा दूं कि क्या लगा हुआ है। अब आ गया हमारा जी लास्ट बेडरूम। लास्ट बेडरूम आ गया हमारा, इसके अंदर आपको एक अपने बेड लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जहां से आओगे एक बेड तो लेके आओगे। तो ये रही, यहाँ आपका बेड हो जाएगा फिट, सीलिंग यहाँ पे भी है, एलईडी पैनल, ड्रेसिंग टेबल, वॉशरूम, मतलब काम सारा कैरोविट का इसमें भी हुआ हुआ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना लगी विंडो, ठीक है। ये आ गया जी आपका वॉकिंग क्लोजेट, लो जी मूविंग वाला। अब किसी ने भी इस घर को परचेज करना है, प्राइस के लिए सारे वेट करते हैं, कई बार कमेंट फिर भी लिख देते हैं प्राइस बताने के बावजूद कि आपने प्राइस नहीं बताया। तो जी घर का प्राइस है 90 लाख रुपीज, 90 लाख रुपए। आपका लोन भी हम करा देंगे, हमारे पास डीएसए काफी सारी कंपनीज की, तो चिंता नहीं करनी, हमने बस आके ना घर दिखाएंगे आपको, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। हमारी कंपनी कोहिनूर प्रॉपर्टी स्टूडियो जी रेरा पुड्डा रजिस्टर्ड है, आईएसओ 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी है, ठीक है। घर रहेगा जी 6 मरले का, 4 BHK साइज, स्टोर रूम पूजा रूम इंक्लूडेड रहेगा, हर एक रूम के साथ वॉशरूम आपको हो जाएगा अवेलेबल। बाकी अगर कोई भी चीज़ रहेगी उसके लिए जी सॉरी, बाकी अगर आपको और हमारी वीडियोस देखनी है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो हमें, हमारा पेज है कोहिनूर प्रॉपर्टी स्टूडियो के नाम से। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बढ़िया लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करते रहना जी।